हाँ जी सर, नमस्कार फिर से। नमस्कार नमस्कार जी। एक और नए वीडियो के साथ। अच्छा दिनेश जी, सर आपको 40 साल करीब हो गए घोड़ा लाइन में। लाइनों को लेकर कुछ भ्रम है लोगों का, और भ्रम भी है, दूसरी बात है जो नए लोग हैं वो जानना चाहेंगे, जैसे कि भाई कौन सी लाइन कहाँ से निकली है और कब कैसे क्या निकली थी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो उसका तो आपके विचार जो दे मुझे। अपने भी देखा है और सुना है। ओके क्या हो सकता है वो 100% अगर नहीं हो, मगर ये है कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है कौन सा घोड़ा कहाँ से निकला, क्या है क्या नहीं है। मतलब मेरे को 10 साल की एज से मैं कर रहा हूँ, तो कुछ स्टेट फार्म या कुछ जगह ऐसी थी अच्छा कि वहाँ पर बहुत पुराने टाइम से घोड़े रखते थे। ओके मतलब हम जब बच्चे थे हमने कभी घोड़े का कखा नहीं सीखा, उस टाइम वो लोग घोड़े रखते थे। ओके तो जैसे आप घोड़ों में ये 5-10 लाइन अभी बहुत फेमस है। अच्छा ठीक है ना, जैसे एक घोड़ा वरखाना लाइन हो गई। ओके ठीक है, अब वरखाना के पीछे क्या था? हाँ वो चीज जानने को मिले भाई, वरखाना क्या है। अब लोगों को तो ये मालूम नहीं कि वरखाना घोड़े का नाम है कि वरखाना जगह का नाम है। ये कन्फर्म नहीं है लोगों को। तो वरखाना वाला जो घोड़ा था उसका नाम था, उन्होंने रखा था हंसराज। हंसराज ठीक है ना, और एक्चुअली उसका नाम था घोड़े का राणा बक्स। राणा बक्स, राणा बक्स, उसका एक्चुअली नाम था राणा बक्स। ओके और राणा बक्स नाम कैसे हुआ मैं आपको उसका बताता हूँ कि मेवाड़ के जो महाराणा है, जो थे महाराणा भगवत सिंह जी, उनके वहाँ एक राज सिंगार करके घोड़ा था। ओके ठीक है, वो एक्चुअली आया था रामपुर मठ से। क्या ओके उसके पीछे की लाइन का मुझे 100% नहीं है, मगर वो रामपुर मठ से आया ये मुझे मालूम है। ठीक है, ठीक है ना, गुजरात राजस्थान जो भी वहाँ जहाँ पर है। तो जो राज सिंगार करके घोड़ा था उसका, ये जो हंसराज वरखाना वाला घोड़ा है, ये वरखाना एक ठिकाना है रानापुर के पास में। अच्छा अच्छा एक ठिकाना है, ठाकुर साहब है, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, मगर तो वो कुमेत कलर का घोड़ा था। अच्छा अच्छा और उसका जो बाप था वो अबलख था। ओके ठीक है, तो हमारे उदयपुर दरबार ने उनको गिफ्ट किया, तो इसलिए उनके वहाँ रजिस्टर में लिखा हुआ राणा के द्वारा बख्शा गया घोड़ा राणा बक्स। राणा बक्स, राणा बक्स। अच्छा 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 ठीक है ना, मेवाड़ के दरबार द्वारा दिया गया। तो उन्होंने बाद में थोड़े टाइम बाद तो वो नाम रखा, मगर फिर उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, हंसराज नाम रख दिया उस घोड़े का। हाँ, मगर आज भी पैलेस के अंदर जहाँ शिकारवाड़ी या घोड़े रहते हैं दरबार के, वहाँ पर रजिस्टर मेंटेन है। ओके, क्या उस घोड़े तो उसमें नाम लिखा, वहाँ लिखा हुआ है पूरा 10 लाइनों में कि किसको दिया, कब दिया, क्या नाम था घोड़े का, तो राणा द्वारा बख्शा गया घोड़ा राणा बक्स। ठीक है, तो वरखाना वाला घोड़ा दिखने में इतना सुंदर नहीं था। अच्छा, मतलब आज जो घोड़े अपन देखते ना उतना सुंदर नहीं था, मगर उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा, रिजल्ट उसके अच्छे थे मतलब। हाँ, उस राज सिंगार घोड़ा बहुत सुंदर और बहुत अच्छा था। तो वो जो राणा बक्स घोड़ा था मेरे, मतलब आप अगर कंपेयर करो ना, घोड़ा बहुत अच्छा था, मगर सुंदरता अगर जाओ तो वो उतना नहीं था। मगर उसको बहुत अच्छी सुंदर घोड़िया मिली, उसका हार्ड स्ट्रक्चर भारी था, तो उसने बहुत अच्छा प्रोडक्ट किया, तो एक वरखाना लावाली लाइन चल गई। दूसरा जैसे आप देख लो कि आलिशान लाइन। ओके ठीक है, अब आलिशान जो घोड़ा था वो था या दासपा के आसपास ये पैदा हुआ था। ठीक अच्छा। है, और उसका बाप था तूफान, जो कहते हैं बीच में एक कोई प्रॉब्लम्स भी आई थी, लोगों ने कहा भाई वो तो उसका था ही नहीं, तूफान का नहीं था। तूफान का नहीं था। अच्छा। तो उस पर मैं नहीं जाता हूँ भाई, 80% लोग जो बोल रहे हैं वो अपन मान रहे हैं। सही है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि आलिशान जब छोटा बच्चा था, आज मैं मानता हूँ कि इंडिया में 5-10 लोग जो हैं वो लीजेंड ब्रीडर हैं, तो लीजेंड ब्रीडर उनके पास 5-10 कारण है उनके पास। अच्छा। उनके पास अच्छी जगह, उनकी अच्छी अप्रोच, उनको घोड़े का रखने का तरीका अच्छा, उस वजह से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा अच्छे घोड़े को अच्छा और बनाना, मेंटेन करने का। मेंटेन करना। ठीक है। एक्चुअली जो आलिशान पैदा होता है उस एरिया में हुआ था, और मैंने जो सुना है एक सतीश जी सीमर करके हैं। ओके। जो बहुत अच्छे घोड़े ब्रीड मास्टर हैं, ब्रीडर तो नहीं बोल सकते, बहुत अच्छे मतलब घोड़ों में नॉलेज रखते हैं। अच्छा अच्छा। और वो कहीं ब्रुनेई या कहीं वो घोड़े संभालते हैं, वहाँ के अरब जो महाराजा हैं, वहाँ के शेख हैं, उनके घोड़े संभालते, तो उनको बहुत नॉलेज था। तो जो अपने रोहित वाले सिद्धार्थ सिंह जी हैं, एक जो उदय सिंह जी, उनके अच्छे फ्रेंड सर्कल में थे, तो उन लोगों ने वो बच्चा आपस में मिलके पसंद करके वो खरीदा। ठीक है, तो वो बच्चा बहुत अच्छा था, अच्छी जगह गया, और वहाँ पर उस लेवल के लोग आए उसको देखने, वहाँ
जाने वालों का भी एक था कि जो जा रहा है तो पैलेस देखने या होटल में ठहरने रोहित पैलेस में, और वहाँ पर जो देखा तो उसका प्रमोशन वहाँ बहुत अच्छा हुआ, फिर उस घोड़े ने प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे किए, रिजल्ट अच्छे दिए, तो आज जो आलीशान लाइन चल रही है, तो जब तक आलीशान घोड़े ने अच्छा प्रोडक्ट नहीं किया उसके पहले तक तूफान को कोई नहीं जानता था। अच्छा अच्छा अच्छा, तूफान का कोई अता पता ही नहीं था कि तूफान कौन है, क्या है, क्या, क्या है। आलीशान आलीशान छोटे से बड़ा हुआ और उसने प्रोडक्ट किया तो क्या यार ये किसका बच्चा है। अच्छा अच्छा, तो फिर उस घोड़े को ढूंढा गया, फिर उस घोड़े को वापस पंजाब से राजस्थान लाया गया, फिर उससे बहुत अच्छी ब्रीडिंग भी हुई, तो उसने अच्छे ब्रीड भी किए, तो आज तूफान लाइन इस वजह से चल रही है। अच्छा अच्छा, तो तूफान को तो मतलब कोई जानता नहीं था, आलीशान की वजह से। आलीशान ने मार्केट में नाम नहीं किया तब तक नहीं जानते थे, तब तक कोई नहीं जानते थे, अब तो सभी जानते हैं, जानते हैं तूफान, ठीक है। उसी तरीके से अभी 2-3 सालों में हुआ क्या है कि हमने तो आज से 20-30 साल पहले पाथड़ी लाइन का कभी 6 महीने साल भर में एक बार नाम सुनते थे। अच्छा अच्छा, और अभी आप अगर किसी एरिया में चले जाओ, पर्टिकुलर जालौर एरिया में, तो हर घोड़ी आपको पाथड़ी वाली मिल जाएगी। अच्छा, क्यों कि उन लोगों ने उसको मतलब अब लगा कि नहीं कोई कोई तो नाम देना, घोड़ा अच्छा था पाथड़ी वाला हमने सुना, मगर उस टाइम हम सुनते थे साल में एक बार उस पाथड़ी लाइन का। हाँ, पाथड़ी लाइन का। अब वो उसकी साहब ये तो पाथड़ी लाइन की घोड़ी है, ये पाथड़ी लाइन की घोड़ी है, तो पाथड़ी लाइन हमने जो पाथड़ी एक कोई जगह का नाम है, ठीक है ना, गांव का नाम है, तो उसके वजह से उसका नाम पड़ गया। तो अभी कोई भी घोड़ी कहीं देख रहे हैं ये पाथड़ी लाइन की है, अरे भैया पाथड़ी लाइन की वो तो घोड़ी थे, इसका 25 साल की घोड़ी है। हाँ, 25 साल पहले सुना था ये नाम, पाथड़ी वाले घोड़े की है तो 25 साल पहले सुना था नाम। 25 साल के घोड़े की 4 साल की बच्ची नहीं हो सकती है, लाइन बता सकते हो, मगर पाथड़ी वाले घोड़े की तो 25 साल की होगी वो नहीं। हाँ, सही बात, सही तो बात। वो अब कुछ हो सकता है कि 10 में से 5 घोड़िया हकीकत में उसकी हो क्या, मगर अगर वो 5 साल की बता रहे तो पक्का वो पाथड़ी वाले घोड़े की नहीं है। सही है, ठीक है। उसी तरीके से एक घोड़ा मऊए कलर का था, वो जाकोड़ा वाला बोलते थे, जाकोड़ा। हाँ, जाकोड़ा भी एक एरिया है। अच्छा। तो जाकोड़ा वाला बाजी करके एक घोड़ा था, बाजी मऊए कलर का घोड़ा था, और वो पोसाणा में और उधर रहा था, तो उस घोड़े को मैंने तो नहीं देखा, फोटो देखे हुए हैं और उसके बच्चे मैंने देखे हुए हैं। अच्छा। उसकी 4 जनरेशन मैंने देखी हुई है हमारे यहाँ उस घोड़े की, और वो 4 जनरेशन बहुत अच्छी थी, उसमें अंश तो उसके बाद में मतलब डिवाइड होते रहे क्या, मगर क्या है कि वो घोड़ा जाकोड़ा वाला भी बहुत फेमस है। तो जाकोड़ा वाली लाइन के भी अगर घोड़ियाँ मिलती है या घोड़े मिलते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा, तो अपना जैसे भाई आलीशान तूफान हो गया, वरखाना वाला हो गया, ये पैलेस वाले जो घोड़े हो गए, उसी तरीके से अगर आप सुंदरता में जाओ, ये तो हो गए हाइट वाले घोड़े, हाइट वाले, ठीक है ना, वरखाना वाला हाइट वाला हो गया, और वो जो आलीशान है वो भी हाइट वाले को बच्चे दे रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे अपन जाते हैं ये जो सुंदर घोड़ा था में, सुंदर घोड़ा, ये घोड़ा छोटा था मगर सुंदर बहुत था, बहुत सुंदर घोड़ा था, और उसके प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे हुए। अच्छा। उसी तरीके से ये सेवड़िया मठ वाले घोड़े हैं, ये भी बहुत सुंदर थे, इनकी हाइट कम थी मगर सुंदरता आप देखो, जैसे देव दरबार लाइन हो गई, ये जो ये बिल्कुल क्लोज चल रही थी लाइनें। अच्छा, तो अच्छा। ये मतलब कुछ अंश होगा, डायरेक्ट नहीं होंगे, मगर कहीं कहीं ये तो ये सुंदरता अगर आप जा रहे हो तो ये लाइन वाले घोड़े थे। अति सुंदर हो गया, बादल घोड़ा हो गया, एक केसरिया करके घोड़ा हो गया, ये जब सुंदर या देव दरबार हो जाए सेवड़िया वाली, सुंदरता का क्रेडिट इनको ही मिला हुआ है, सुंदरता का क्रेडिट मैं मानता हूँ। उसी तरीके से देवली लाइन, ठीक है ना, अब देवली लाइन के आप देखो बहुत सारे फेमस घोड़े हैं क्या, तो उसमें भी क्या है कि आप मान लो कि हाइट और स्ट्रक्चर के मामले में इनसे नीचे। अच्छा अच्छा। अगर आपको हाइट पे जाना है, स्ट्रक्चर पे जाना है, तो देवली जैसी हाइट और स्ट्रक्चर मैं नहीं मानता हूँ कोई घोड़ा दे सकता है, कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब मुझे जहाँ तक नॉलेज है, एक व्यासों की डाणी में तेज रूप करके घोड़ी थी, ओके, ठीक है ना, लक्ष्मण जी यादव हैं उनके पास, बहुत अच्छी घोड़ी थी। अब कुछ लोग बोलते कि उसके पीछे थोरोब्रेड मिक्स था या ये था वो था, उस वो डिटेल मुझे नहीं मालूम है, मगर वो बहुत, मैंने तो लाइव देखी जब वो 25 साल की घोड़ी थी, मुझे मौका मिला और मैं देखने गया भिक्कू सिंह जी के साथ, उनको थैंक यू बोलता हूँ, उन्होंने मुझे घोड़ी दिखा दी। अच्छा अच्छा। तो उस घोड़ी और एक घोड़ा था कन्हैया, वो
घोड़ी, वो जो घोड़ी थी वो तो बहुत भारी स्ट्रक्चर वाली थी। अच्छा। और कन्हैया घोड़ा था बहुत छोटा घोड़ा था, मतलब 60-61 की हाइट का, और ये अपने इसी बेल्ट का था, राजस्थान वाले बेल्ट का, जो अपन जो डेजर्ट बोलते हैं, डेजर्ट, हाँ डेजर्ट एरिया, मतलब जालोर और ये मान लो आप सांचोर एरिया। तो वो घोड़ा सुंदर बहुत था, छोटा था मगर सुंदर था, जो कन्हैया घोड़ा। तो आपने सुंदरता को स्ट्रक्चर से मिलाया तो प्रभात पैदा हुआ, घनघोर पे घोड़ी पैदा हुई, एक मान करके बहुत अच्छी घोड़ी थी। अच्छा। वो पैदा हुई, एक शक्ति करके घोड़ा था बहुत अच्छा पैदा हुआ। तो वो जो पैदा हुए, जैसे विजय देव घोड़ा है वो तेज रूप का बेटा और कन्हैया का बेटा क्या, तो ये जो पैदा तो देवली लाइन में हार्ड स्ट्रक्चर तो ये बहुत बहुत ज्यादा है। उनके आप सुम देखो, उनको आप बॉडी स्ट्रक्चर देखो। और मेरा ये मानना है कि अभी जो लोग घोड़े रख रहे हैं, अभी क्या हुआ कि आप अगर पंजाब में चले जाओ तो हर तीसरा घोड़ा कनेक्टिंग टू आलिशान, हर तीसरा घोड़ा या घोड़ी कनेक्टिंग टू आलिशान, आलिशान से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। या तो आलिशान का बच्चा होगा, या काला काटा का बच्चा होगा या बच्ची होगी, या शानदार का होगा या शान का होगा, या जो और भी उसके लिंक द्वारा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, दिलबाग घोड़ा हो गया आलिशान से कनेक्टेड है, देवराज रणिया वाला हो गया आलिशान से कनेक्टेड है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप सब कुछ आलिशान है और उसकी जो घोड़ियाँ हैं उनको भी आलिशान से ले रहे हो। हाँ। तो ये तो हो रही है इनब्रीडिंग हो रही है, पक्का इनब्रीडिंग हो रही है। सही है, सही है। तो अब कुछ समझदार लोग हैं, मतलब मैं ये मानता हूँ कुछ समझदार लोग हैं, उनको रियलाइज हो गया है, तो अब वो घोड़ा ढूंढ रहे दूसरी लाइन का। अच्छा अच्छा। घोड़ा वो ढूंढ रहे दूसरी लाइन का आलिशान से, भाई उससे करवाएंगे तो इनब्रीडिंग भी हो गई। इनब्रीडिंग हो गई, और इनब्रीडिंग के प्रैक्टिकली और फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और इनब्रीडिंग मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो अच्छी ब्रीडिंग है। क्या है। आप लाइन ब्रीडिंग कर सकते हो, यानी कि 4-5 जनरेशन दूर हो जाए उसके बाद कर लो, वापस क्लोज ले आओ, वो ठीक है। मगर एक घोड़ा है उसकी बच्ची है और एक घोड़ा है उसका बच्चा है, और उससे ब्रीडिंग करा रहे हो या बेटी को बाप से करा रहे हो, तो ये तो ह्यूमन में भी नहीं करते, तो गलती है, तो ये नहीं होना चाहिए। और मेरे पास जो देवली लाइन का घोड़ा है, विजय देव का बेटा है, उसकी माँ फूलमाल लाइन की, तो फूलमाल लाइन ब्यूटी के लिए मानी गई है। फूलमाल लाइन में घोड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा अच्छा। घोड़े भी फेमस हुए मगर फूल लाइन में, तो स्ट्रक्चर और ब्यूटी दोनों आ गई। मतलब मेरा ये मेरे पास काम दे हुए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप उससे कराओ, मगर अगर किसी के पास आलिशान या काला काटा की या सुंदर लाइन की या सेवड़िया मठ लाइन की अगर घोड़ियाँ हैं, उसको देवली लाइन के घोड़े से क्रॉस कराना चाहिए। अच्छा अच्छा, बेटर रहता है, मतलब बेटर रहता है। उसमें क्या होगा कि उसमें जो कुछ पॉइंट्स कम है हाइट के या स्ट्रक्चर के, वो देवली लाइन आपको प्लस कर देगी, प्लस पॉइंट डाल देगी उसमें। उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि अगर देवली लाइन की अगर घोड़ियाँ हैं आपके पास, तो आप उसको आलिशान लाइन से कवर करा दो, सुंदर लाइन से करा दो, अति सुंदर से करा दो, तो आपको जो चीज जरूरत है उसमें, उस घोड़ी में, वो घोड़ा दे देगा, और जो घोड़े में जरूरत है वो घोड़ी दे, वो घोड़ी दे देगी। ये है क्या, लाइनें तो बहुत सारी हैं क्या। अच्छा, ये देवली लाइन का जो घोड़ा है था कन्हैया, उसके बारे में नहीं, कन्हैया देवली लाइन का नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। कन्हैया तो एक घोड़ा था, उसको बाप का मैं नाम भूल गया हूँ, वो जो अपने अजय विक्रम सिंह है उनको ज्यादा नॉलेज है इस बारे में, मंडा के जो है ना उनको नॉलेज है कि भाई कन्हैया का बाप कौन था। अच्छा अच्छा। कन्हैया छोटा घोड़ा था, सुंदर घोड़ा था, फेमस इसलिए हुआ कि उसने ये अच्छा, बच्चे पैदा किए। अच्छा, जो कन्हैया था उसके कितने बच्चे फेमस हुए आपकी नजर में हो तो कोई? मैं मानता हूँ घनघोर घोड़ी बहुत फेमस हुई। ठीक है ठीक है। विजय देव बहुत फेमस घोड़ा है, विजय देव। ठीक है। मेरा जहाँ तक मानना है कि मान घोड़ी थी वो, या तो तेज रूप की तो थी पक्का है, मगर वो कौन से घोड़े की थी मुझे 100% नहीं है कन्फर्म, मगर उसके और उसके बाद में प्रभात हुआ घनघोर से, प्रभास से हुआ देव, प्रभास से हुआ नॉर्दर्न डांसर, और रुद्राक्ष हुआ, बहुत सारे प्रभात और ये घनघोर घोड़ियों के बहुत अच्छे बच्चे हुए देवली लाइन। लाइन तो देवली गिनोगे ना, देवली गिनी जाएगी। आज जो देव घोड़ा है हार्ड स्ट्रक्चर के मामले में उसके मुकाबले घोड़ा नहीं। और देवली देवली लाइन के देखा जाए तो उसके दो दांत बच्चे भी, मतलब 67-68 के तक। 67-68 तो देखो मैं नहीं मान सकता हूँ, क्यों भाई साहब, मैं भी जैसे रोहिणा फार्म पे खड़ा है कि वो कौन सा घोड़ा है, क्या नाम, अनमोल, अमोलक, अमोलक, अमोलक। कुछ
कुछ परसेंट आप मान लो 100 में से एक अनुजल पैदा हो गया। एक ही घोड़ा है उधर भी है अपने पिपरोल स्टड फार्म पे। हाँ वो भी अच्छी हाइट अच्छी हाइट का है, मगर मैं किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं कहना चाहता हूँ, सब मेरे भाई है। सही है, मगर मैं ये मानता हूँ नापने नापने का भी फर्क होता है। आप एक इंच को तो इग्नोर कर दो, सही बात है कि मैं नापूंगा तो हो सकता है एक इंच कम आ जाए, कम आ जाए, और कोई नापे तो एक इंच ज्यादा आ जाए, मगर दो तीन इंच का फर्क बहुत होता है। सही है, तो एवरेज जो आप घोड़े देखोगे ना, मतलब आप इंडिया में अगर घोड़े गिनोगे तो 66 से ऊपर मेरी निगाह में 5 या 7 घोड़े होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, 66 से ऊपर ऊपर पूरे इंडिया में 5-7 घोड़े होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जो प्रैक्टिकली मैंने देखे हैं। आपने देखे हुए हैं? हाँ, कि मैं कह सकता हूँ हाँ भाई ये 66 से ऊपर है। सही है, सही। जैसे देव घोड़ा है, मैं देख के आया हूँ लाइव, वो मैं मान सकता हूँ 66 का घोड़ा है। अगर वो 68-67 गिन रहे तो चलो वही एक इंच चलता है, एक इंच कम करके देख लो। हाँ, और अगर 68 गिन रहे तो वो थोड़ा सा उनको नापने का तरीका नहीं है। ठीक है, वो जो घोड़ा है मैंने उसको लाइव नहीं देखा अपने पिपरोली शक्ति बना वाला, मगर ये हो, मैं मान सकता हूँ 65 अबो ही होगा। अच्छा, अगर वो 68 बोल रहे तो मैं नहीं, नहीं मान सकता। मैंने देखा है वो घोड़ा, मतलब अच्छी हाइट है उस घोड़े की, तो एक इंच का फर्क तो अपन हाँ खैर वो तो मान सकते हैं, बट बात घोड़ा है वो मैं मानता हूँ 65 के लमसम होगा। गनगौर घोड़ी अच्छी थी क्या, तो ये घोड़े आप 64 भी हाइट कम नहीं होती, बहुत बड़ा घोड़ा होता है। सही सही, जब स्केल लगता है ना तो अपने आप आ जाता है। अच्छा, अगर अपन तूफान लाइन की बात करें तो जैसे तूफान का बच्चा था आलीशान, तूफान के बारे में बताओ जरा, कहाँ ब्रीड, मतलब कहाँ हुआ था, किसके पास था? एक्चुअली तूफान जो घोड़ा था, मेरा जहाँ तक नॉलेज है ये दासपा के आसपास कहीं था। ओके, ठीक है ना, तो वो छोटा घोड़ा ही था, मतलब बहुत बड़ा घोड़ा नहीं था। ठीक है, मतलब हाइट मेरे हिसाब से वो 60 के लमसम हाइट के घोड़ा होगा। तो वो घोड़ा वहाँ से बिक के और पंजाब चला गया, गुड़गांव उस एरिया में चला गया, वहाँ कुछ टाइम तक वो बहुत बैड कंडीशन में रहा। अच्छा, बहुत ही कोई केयर नहीं हुई, केयर नहीं होने के कारण कि छोटा घोड़ा है, एवरेज घोड़ा है। ठीक है, तो वो हो सकता है कहीं वर्क में भी चला हो, कुछ रहा हो, फिर जब ये आलिशान फेमस हुआ, उबर के आया तो फिर इन लोगों ने, बाबा बालक दास जी ने वो घोड़ा मंगवाया। अच्छा अच्छा, फिर कुछ टाइम वो सांगरिया भी रहा, कुछ टाइम बावोत्रा में भी रहा, बावोत्रा। अच्छा अच्छा, हाँ बावोत्रा जो ठिकाना है उनके वहाँ भी रहा, और उसने फिर बाद में जब लोगों को रियलाइज हुआ कि यार ये तो घोड़ा बहुत अच्छा है, तो उससे बहुत अच्छी ब्रीडिंग भी हुई। अच्छा, तूफान के भी बहुत सारे अच्छे घोड़े, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, मगर बहुत अच्छे पैदा हुआ, जो आलिशान तो ही है। आलिशान, मैं ये मानता हूँ आलिशान ने तूफान का नाम रोशन कर दिया, मतलब मिलाकर क्या। अच्छा, अगर इसमें बात करें तूफान लाइन में, जैसे मारवाड़ी में ये आलिशान बेस्ट रिजल्ट था तूफान का, अभी आलिशान के कितने बेस्ट रिजल्ट होंगे आपकी? आलिशान के बहुत सारे बेस्ट रिजल्ट है, बहुत सारे। अच्छा, उससे घोड़िया बहुत ब्रीड हुई, और मैं तो जो रोहित वाले सिद्धार्थ सिंह जी, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उस घोड़े को केयर की और उन्होंने बहुत सी घोड़ियों पे छोड़ा। अच्छा अच्छा, बहुत से का होता है ना, मेरे पास बहुत अच्छा घोड़ा, वो चाहते तो 50 घोड़ी खुद की रख लेते और 50 ही क्रॉस कराते, मगर उन्होंने हर ब्रीडर को चांस दिया भाई कि आपकी घोड़ी कराओ। तो अब अगर अपना आलिशान का देखते तो शानदार बहुत अच्छा घोड़ा हुआ, काला कांटा बहुत अच्छा हुआ, दिलबाग घोड़ा बहुत अच्छा हुआ क्या, तो उसी तरीके से बहुत सा अच्छा घोड़िया भी बहुत अच्छी हुई उसकी। अच्छा, आलिशान की बच्चियां भी बहुत अच्छी हुई जो फेमस है, मगर क्या अभी जो हाईलाइट में 5-10 घोड़े हैं, उस जैसे दिलशान घोड़ा है वो भी आलिशान का है क्या, तो अच्छा घोड़ा है, अच्छा घोड़ा, सुंदरता के मामले में मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ, उसके ब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती है, ये हो सकता है कि उसको क्या सब तरीके की घोड़िया मिलती है, तो आप उसका घोड़िया मिलने पे भी डिपेंड होता है, घोड़िया मिलने पे भी डिपेंड करता है। मतलब मेरा ये मानना है कि भाई फूल सिंह जी के वहाँ हर फार्मर घोड़ी लाता है, ठीक है ना, तो उनका तो काम है कि भाई भी अच्छी बच्चियां पैदा, तो उनकी जो फीस की रेट है वो भी नॉमिनल है, तो उनके वहाँ क्या होता है 10 घोड़ियों में हो सकता है 7 घोड़िया उस लेवल की नहीं हो। हाँ सही है, तो वो 3 तो है, तो वो प्रोड्यूस उस लेवल, आप कह रहे भाई 7, मगर ये मैं मानता हूँ कि उसके अच्छी घोड़िया मिली तो उसके अच्छे बच्चे भी पैदा हुए। सही है, मगर सुंदरता में उसको मैं नंबर देता हूँ, दिलशान को सुंदर है, एकदम सुंदर घोड़ा है आलिशान का, सुंदर बच्चा है, और उनका नाम कर रहा है, नाम कर रहा है साहब, नाम कर रहा है क्या भैया, दिलशान को पहचान, फूल सिंह जी को पहचानते इसलिए दिलशान की वजह से क्या। अच्छा जैन साहब, और कोई लाइन? हमारे यहाँ एक सुल्तान घोड़ा हुआ था,
ओके, आपके एरिया में? हाँ, हमारे एरिया में, उदयपुर में। हाँ, हमारे जो अरविंद महेंद्र सिंह जी महाराणा हैं, उनके भाई हैं श्री जी अरविंद सिंह जी, उनके अंकल थे एक नरेंद्र सिंह जी, बहुत घोड़ों में नामी थे। ओके। बहुत घोड़े का उनको परख थी, तो वो घोड़ा सुल्तान उन्होंने खरीदा। प्रॉब्लम्स क्या हुई कि सुल्तान घोड़ा उन्होंने खरीदा, मगर उनकी ब्रीडिंग उन्होंने बाहर ज़्यादा नहीं दी। अच्छा। मगर सुल्तान बहुत अच्छा घोड़ा था, क्या वो पाथड़ी लाइन का था, पाथड़ी लाइन मतलब पीछे जो बताई गई है, मगर वो घोड़ा बहुत अच्छा था, उसके बच्चे बच्ची बहुत अच्छे पैदा हुए। अच्छा, क्या अच्छा, अच्छा। हमारे पास एक रूपमती करके घोड़ी पैदा हुई थी सुल्तान से, एक एलिजा करके जो घोड़ी पैदा हुई सवा लाख की माँ, तो उसने घोड़ियाँ और घोड़े बहुत अच्छे पैदा किए, मगर उस वक्त इतना क्रेज नहीं था, उतना उस टाइम इतना सोशल मीडिया नहीं था। अपन समझ लो आप जो महेश भाई पटेल थे अहमदाबाद के पटेल फार्म वाले, उन्होंने बहुत सारी घोड़ियाँ क्रॉस कराई, उन्होंने सुल्तान के बहुत अच्छे बच्चे लिए, क्या तो सुल्तान भी बहुत फेमस घोड़ा था, अच्छी था। अली बाबा घोड़ा बहुत अच्छा था, सुंदर घोड़ा था। अच्छा, क्या जोत सिंह जी के पास था, बहुत अच्छा घोड़ा था, और बहुत सारे घोड़े हुए थे, मगर उस टाइम अपना सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो क्या लोगों को फेमस नहीं हो पाए विद इन 100 किलोमीटर रेडियस में या 200 किलोमीटर रेडियस में वो फेमस था। आज फेमस होने के कारण आप लोग साला दुनिया में कहीं बैठा है और वो घोड़ा घर बैठे देख रहा है आपके द्वारा। कौन सा घोड़ा? घोड़े तो बहुत थे, अच्छे घोड़े थे, मगर उनका एक दायरा था 100-200 किलोमीटर का। भाई अली बाबा घोड़ा बहुत अच्छा था, वरखाना घोड़ा तो लास्ट टाइम पे फेमस हुआ। वरखाना अच्छा, वरखाना वाला जो घोड़ा था ना, आज ये उसके बच्चे जब 5-5-10 साल के हो गए जब वो जाके फेमस हुआ, पहले लोग जानते ही नहीं थे, क्या सही। हाँ। अच्छा, एक और लाइन मेरे को याद आ रही है, रत्नाकर करके लाइन है कोई? रत्नाकर कर तक का तो मुझे मालूम है, कोई रत्नाकर घोड़ा था, उसका राज घोड़ा पैदा हुआ, राजवीर घोड़ा है राज का, तो रत्नाकर एक्चुअली मेरा जहाँ तक नॉलेज है वो गया था राजस्थान से ही। ओके। एक गुरपाल सिंह जी करके थे पंजाब में। हाँ, उनके पास था वो, और वो भी फेमस कैसे हुआ, रत्नाकर घोड़ा अच्छा था, मगर उसके जब बच्चों ने बच्चे देना पैदा कर दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, तब फेमस हुआ वो, तब फेमस हुआ, उसी तूफान की तरह ही। हाँ, रत्नाकर घोड़ा पंजाब में था, उसका उपयोग समझ लो रत्नाकर का, उन्होंने जब तक उसके बच्चे 8-8-10 साल के नहीं हुए तब तक लोगों ने रत्नाकर का उपयोग नहीं किया, लेट हो गए, क्या फिर रत्नाकर के बच्चा था राज, उसके बच्चे पैदा हुए, तो अरे भाई रत्नाकर घोड़ा, क्या तो आज वो रत्नाकर का नाम साथ में लेने लग गए। अच्छा, जो रत्नाकर का पहला आप घोड़ा बता रहे हो फेमस राज, वो कहाँ पे अभी है प्रेजेंट टाइम में? हाँ, वो भी क्या हुआ, या तो वो पंजाब में पैदा हुआ, या पंजाब से यहाँ पैदा हुआ, बिक के पंजाब गया, फिर राजस्थान में आया। अच्छा। अभी वो घोड़ा नहीं है एट प्रेजेंट में, अभी नहीं है। नहीं, वो गुजरात बॉर्डर पे एक पीरा भाई करके थे। Okay. उनके पास रहा था कुछ टाइम के लिए, और ड्यूरिंग उस टाइम उन्होंने बहुत अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हुई। वो बंदा ऐसा था कि भाई कोई 500 रुपये दे रहा तो भी ब्रीडिंग करवा दूंगा, 1000 दूंगा तो भी करा दूंगा, या 5000 दे तो भी, तो उसको अपन आप गलत नहीं बोल सकते हो, उसने चलो कुछ तो फायदा किया। सही है, ठीक है ना। और आप साचोर और जो जालोर एरिया, वहाँ बहुत सारी घोड़िया किसानों के पास, तो उस राज से बहुत सारी घोड़िया ब्रीड हुई और उसके बहुत अच्छे बच्चे पैदा हुए। एक भूपेश भाई करके उनके पास राजवीर करके घोड़ा है। आप समझ लो कि अगर आज आपको रत्नाकर लाइन का अगर बच्चा बच्ची खरीदना है तो आप उस एरिया में चले जाओ। अच्छा, आपको बहुत सी घोड़ियाँ और बच्चे मिल जाएंगे उस एरिया में। हाँ, और 90% मैं बोलता हूँ कि वो सच्ची बात होगी। 10% चांस होगा कि भाई कहीं झूठ निकल जाए, बाकी 90% मैं मानता हूँ रत्नाकर की मिलेगी, रत्नाकर की होगी। क्योंकि वो एक होता क्या है, आज से 8-10 साल पहले जब प्रभात फेमस हुआ, ठीक है ना, प्रभात फेमस हुआ, तो जब प्रभात के बच्चे 5 लाख और 7 लाख के बिकने लग गए थे ना, तो हर महुआ बच्चा प्रभात का मतलब लीवर चेस्टनट हुआ, यानी प्रभात का, क्योंकि 50,000 का बच्चा प्रभात का नाम लगते 1.5 लाख का बिक रहा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसा हुआ। मगर मैं मानता हूँ कि जो रत्नाकर लाइन के जो बच्चे हैं उसमें झूठ कम है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि उनके बच्चे हर कीमत में बिके हैं, लाख का भी बिका है, 2 लाख का भी बिका है, 3 लाख का भी बिका है, 3.5 लाख का भी बिका है। तो उसमें बच्चा क्या होता है, किसी घोड़े का 25 लाख का बिकता है ना, तो उसमें समझ लो कि झूठ ज्यादा चलने लग गया था। हर आदमी सोचता है यार मेरे ही 25 लाख आ जाए। हाँ, सही है, सही। कोशिश ये करता है ना कि भाई फेमस बहुत ज्यादा हो रहा है, बाकी जो बिक रहे हैं। अब आज हमारे यहाँ घोड़ा है विजय देव करके,
वो जो मालिक है वो ब्रीड बाहर नहीं कराते हैं, ये उनकी पर्सनल सोच है। हाँ, सही है। उनके पास 10-12 घोड़ियां हैं, वो कराते हैं, उनके बच्चे अच्छे पैदा करके वो बाहर देते हैं। तो उनके तो 100% आप बोल सकते हो कि उसका कोई भी नकली बच्चा मार्केट में नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, सही बात है। नहीं आने का कारण, आज अगर मुझे बोल दिया भाई कि फलाना बच्चा महाराष्ट्र में खड़ा है और वो उस घोड़े का, वो उस घोड़े का है, मैं एक मिनट में, एक सेकंड के अंदर उसको मैं बता दूंगा कि वो है या नहीं है। ठीक है, हो सकता, क्योंकि अगला ब्रीडिंग नहीं कर रहा है, ब्रीडिंग नहीं कर रहा है। और उनका जो विजय देव का मालिक है वो तो ऐसा मालिक है, अगर वो झूठ बोल दी तो वो तो बिल्कुल उसकी बाल में से खाल निकाल के एक एक बाल गिन लेगा कि कहाँ से पैदा हुआ। सही बात है। तो उनके पास करीबन मेरे हिसाब से घोड़ा 8-10 साल हो गए, और उन्होंने टोटली मेरे हिसाब से ब्रीड की होगी 50 के करीब। अच्छा अच्छा। उनकी खुद की घोड़ियों पे। अच्छा। बिगेनिंग में उन्होंने 2-4 दूसरों की घोड़ियों पे छोड़ा जरूर था, वो फ्रेंडशिप में कोई फीस के हिसाब से नहीं, तो वो बच्चे अपन मान सकते हैं। तब 50 बच्चे हुए, तो मैं मानता हूँ कि उस 50 बच्चों में से 30 बच्चे या 35 बच्चे तो मैं उंगलियों पे गिन लूँ कि जो फेमस हैं, जो अच्छे बच्चे हैं। तो उन्होंने क्या सेलेक्टिव ब्रीडिंग की, चलो उन्होंने बाहर नहीं की, मगर उसके जो बच्चे पैदा हुए उसके बच्चे तो पैदा हो ही रहे। बिल्कुल साहब। भाई आप आज जैसे विजय देव घोड़ा है, आप मान लो एक रविंद्र जडेजा के पास एक उसका बच्चा है, 3 या 4 जानवर जो मुश्ताक भाई करके उनके पास है, एक उसका बच्चा विजय देव का मेरे पास है, कामदेव है, अच्छा बच्चा है, अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, एक बच्ची महाराष्ट्र के अंदर वो अन्ना हराले करके उनके पास है विजय देव की, तो इस तरीके से एक बॉम्बे में है पप्पू जी वर्मा, उनके पास विजय देव का बच्चा है, मतलब गिनी चुनी घोड़ियों पे फिर वो इनको पता है, सबको पता है, 100% पता, मुझे पता है भाई। अब अगर इस घोड़े का अगर कोई बच्चा बच्ची कोई झूठ बेच कर कर दे तो फट पकड़ में आ जाएगा। तो प्रभात का झूठ निकल सकता है, क्योंकि अच्छा, प्रभात की ब्रीडिंग बहुत ज्यादा हुई और उस टाइम क्या इतना अवेयरनेस नहीं थी, तो लोगों ने झूठ बेच दिया, पर महुआ रंग प्रभात का। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, जो आपने लाइन और फेमस घोड़े के नाम बताए हमको, उसके लिए आपका बहुत, मतलब मुझे जहाँ तक नॉलेज है, हो सकता है उसमें कहीं 2-5% हो सकता है कि मैं गलती से बोल गया हूँ या मुझे नहीं है, तो वो कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। मगर हाँ, ये है कि मुझे जहाँ तक नॉलेज है और ये भाई आप तो आपकी एक्सपीरियंस से बता, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैंने ये देखा, ये सुना है, ये और देखा है, तो अपन उसके लिए बता सकते हैं। बाकी कोई हो सकता है एक आधी बात मेरे गलती से ले गया हूँ और वो गलत हो जाए, तो वो अलग चीज है। थैंक यू जैन साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आपकी।